हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग के दौरान वो अपनी कार में मौजूद थे। अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ 40 से 50 राउंड फायरिंग की है। गोलीबारी में पार्टी के कार्यकर्ता की भी मौत हो गई है। वहीं 3 सुरक्षाकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। I-20 कार में सवार हमलावर नफे सिंह राठी का पीछा कर रहे थे। जब नफे सिंह की गाड़ी बराही फाटक के पास पहुंची तो उन्होंने गोलियां बरसा दी। सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि कार का पूरा शीशा टूटा हुआ है और गाड़ियों पर गोलियों के निशान हैं। हमले के बाद नफे सिंह राठी और घायलों को ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। जज्जर के SP अर्पित जैन ने बताया कि CIA और STF की टीमें काम कर रही हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है, और जो भी इसमें आरोपी है उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट करने में लगे हुए। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मैं मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं, और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको करेंगे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल लोकदल के एक नेता ने बताया था कि नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप ने बताया कि सरकार से उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही थी लेकिन नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर पहले भी छिटपुट हमले हुए हैं। नफे सिंह राठी की उम्र लगभग 65 बरस थी और वो 10वीं तक पढ़े हुए थे। परिवार में उनके 2 बेटे हैं जिनके नाम भूपेंद्र और जितेंद्र हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को 2 साल पहले ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। नफे सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके हैं और हरियाणा की पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राठी साल 2009 में रोहतक सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन और कुश्ती संघ भारतीय स्टाइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रगति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, दिख रही दिल्ली टॉप। शुक्रिया।